स्टूडेंट्स, आज हम आरंभ करते हैं 21 लेसन अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या होता है? जहां पर पांडवों ने एक साल सबसे छिप कर भेष बदल कर बिताया था, तो उसका वर्णन इस पाठ में है। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने चले गए, यानी नौकरी करने चले गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। विराट राजा ने उनके हाव भाव शक्लें देखकर ही समझ लिया था कि ये कोई राजकुमार मालूम होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। विराट राजा के मन में शंका तो हुई थी कि ये राजकुमार हैं, लेकिन पांडवों ने उनसे बहुत आग्रह किया तो राजा ने उनको अपनी सेवा में रख लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त किए गए। पांडव जो थे, उन्होंने अपनी अपनी पसंद का काम मांगा तो उस काम पर नियुक्त किए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। युधिष्ठिर किस नाम से दरबारी बने? कंक के नाम से। और राजा के साथ चौपट खेलकर दिन बिताने लगे। राजा विराट के साथ चौपड़ खेलने लगे और समय बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगा। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। वह भीम जो था, कभी कभी पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ करके, कभी जंतुओं को अपने वश में करके राजा का दिल बहलाता था। अर्जुन स्त्री के वेश में वृहन्नला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना सिखलाने लगा। अर्जुन स्त्री के वेश में रहने लगा और अपना नाम रख लिया वृहन्नला। वहां जो भी स्त्रियां थी रणवास में, विराट की कन्या थी उत्तरा नाम जिसका था, उसकी सहेलियां जो थी, दास दासियां जो थी, उनको नाच गाना सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश किया करता था। जो नकुल था वो ग्रंथिक के नाम से काम कर रहा था वहां, और घोड़ों आदि का काम करता था, घोड़ों को साधता था, उनकी बीमारियों का इलाज करता था, उनकी देखभाल करता था। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। जो सबसे छोटा भाई था सहदेव, वह तंतीपाल के रूप में वहां पर रहा और गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी भी दास दासियां थी। जो ये थी द्रौपदी थी, यह भी एक तरह से राजाओं की पत्नी थी, राजकुमारों की पत्नी थी, और इनकी सेवा नौकरानियां करती थी और यहाँ यह खुद नौकरानी बनकर रहने लगी। अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट राजा की जो पत्नी थी उसकी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सरेंद्री के नाम से काम करने लगी। विराट की पत्नी का क्या नाम था? सुदेशना। सुदेशना जो रानी थी उसकी सेवा करती हुई सरेंद्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। यानी कि राजा विराट का साला था कौन? कीचक। बड़ा ही प्रतापी था, वीर था, बलशाली था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। जो ये कीचक था, मत्स्य देश की सेना का नायक था और अपने कुल के लोगों के साथ मिलकर के जो बूढ़ा विराट राज था यहाँ पर, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया था, सत्ता को बढ़ा दिया था। कीचक की धाक लोगों में जमी हुई थी, क्योंकि वह बलिष्ठ और प्रतापी था तो लोगों में उसकी धाक बनी हुई थी, लोग उससे डरते थे। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। मत्स्य देश के जो लोग थे वे क्या कहते थे
क्योंकि विराट कमजोर व्यक्ति था, वृद्ध हो जो चला था, कि यहाँ का राजा तो कीचक है और विराट नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे। जो राजा विराट था वह भी अपने साले से डरता था और उसका कहना मानता था। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। जब पांडवों का 12 साल का वनवास पूरा हो गया, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शर्त ये थी ना कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। यदि 1 साल का जो अज्ञातवास है उसमें यदि पांडव कहीं पकड़े गए, मिल गए, तो उनको दोबारा से फिर 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तो तभी से दुर्योधन इस सलाह में था कि पांडव पकड़े जाएं और उनको दोबारा से वनवास हो जाए। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। इन्हीं दिनों क्या हुआ, जब दुर्योधन के गुप्तचर ढूंढ रहे थे पांडवों को, तभी यह हस्तिनापुर में भी खबर फैल गई कि कीचक मर गया है, कीचक को मार दिया गया है। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। दुर्योधन ने अंदाजा लगा लिया कि जो कीचक मारा गया है इसको जरूर भीम ने ही मारा होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा। राज्यसभा में भी दुर्योधन ने यह अपनी बात रखी कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन ने सभा में ये बात की कि मेरा क्या ख्याल है कि पांडव तो विराट नगर में ही छिपे हुए हैं और हमें वहां पर हमला कर देना चाहिए। पांडव यदि होंगे तो हम उनको पहचान लेंगे और उनको दोबारा से 12 साल का वनवास मिल जाएगा, और यदि पांडव न हुए तो हम विराट को अपने अधीन कर लेंगे, तो हमारे तो दोनों तरफ से फायदे हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा बोला उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था, इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना वैर भी चुका लेना चाहता हूँ। उधर से दुर्योधन ने जैसे ये बात रखी सभा में, त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा जो था वह उठा और एकदम बोला कि विराट के जो राजा हैं वह तो मेरे भी शत्रु हैं, कीचक ने भी मुझे परेशान किया था, तो मैं भी अपना बदला ले सकता हूँ। यानी दुर्योधन का एक और सहारा बढ़ गया। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चित किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने आए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। क्या सलाह हुई थी उनकी, क्या कि एक तरफ तो जैसे सुशर्मा ने कहा था कि मैं भी अपना बदला ले लूंगा, तो यह सलाह हुई कि सुशर्मा विराट के राज्य पर दक्षिण की ओर से हमला कर देगा। जब विराट के सैनिक दक्षिण की ओर आएंगे तभी दुर्योधन विराट के ऊपर उत्तर की ओर से आक्रमण कर देगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से विराट नगर फंस जाएगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के अंदर है विराट नगर। तो राजा सुशर्मा ने कहां से हमला कर दिया उनके ऊपर, कहां से किया, दक्षिण की ओर से, मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। दक्षिण हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और सुशर्मा ने गायों के झुंड अपने कब्जे में ले लिए।
कंक यानी युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करे, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि अपने रसोइये बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंत्रीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथ आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथ आरूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्र अस्त्र की आज्ञा दीजिए। क्या कहा उन्होंने युधिष्ठिर ने राजा विराट को कि हे राजन आप चिंता मत करो, मैंने कुछ अस्त्र विद्या सीखी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अपने रसोइये बल्लभ को भी और जो ग्रंथिक है और तंतीपाल है वे भी कुशल योद्धा है, यानी उसको उसके भाई थे उसको तो पता ही था कि भीम, नकुल और सहदेव, इनको भी आप कवच पहनाकर युद्ध पर रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ भेज दें। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा विराट बुरी तरह से घिरे हुए थे, तो यह बात सुनकर के वह बहुत खुश हुए। उसकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव ऊन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। चारों वीरों के लिए रथ तैयार हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन रथों पर बैठ करके विराट की ओर से सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सेना तितर बितर हो गई। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ था तो यहाँ पर विराट को बंदी बना लिया गया था। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। दर्प होता घमंड। अपने भाई भीम को युधिष्ठिर ने कहा कि विराट को अभी छुड़ाना होगा और ये जो राजा सुशर्मा है इसके घमंड को दूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। क्या कहा कि तुम सिंह जैसी गर्जना करोगे तो सभी शत्रु तुम्हें पहचान लेंगे, लेकिन तुमने क्या करना है, सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना होगा, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा, हमारे लिए तुम्हारे लिए वही ठीक होगा। आज मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। रथ पर चढ़कर ही भीम ने क्या किया, सुशर्मा की सेना पर बाण चलाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को क्या कर लिया, कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया। भीम ने विराट को तो छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय को सुनकर विराट नगर में खुशियां छा गई। विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर आ गए। जो शहर के लोग थे, जो राजा विराट की विजय हुई थी उसके स्वागत के लिए सभी नगर से शहर से बाहर आ गए। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी, क्योंकि उनकी पहले ही प्लान थी कि दक्षिण की ओर से सुशर्मा आक्रमण करेगा और उत्तर की ओर से दुर्योधन। तो जैसे ही उधर लोग खुशियां मना रहे थे तो उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। राजकुमार उत्तर कौन था? विराट का बेटा, राजा विराट का बेटा। यह बुरी तरह से डरा हुआ था, कांप रहा था। उसने वृहनल्ला से कहा, वृहनल्ला मुझे बचाओ इस संकट में, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। वृहनल्ला कौन थे? अर्जुन। अर्जुन से उत्तर ने कहा कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कभी भी उपकार नहीं भूलूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर वृहनल्ला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राज संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा कर राज उसके हाथ में पकड़ा दी। जब राजकुमार इतना डरा हुआ था तो
वृहनला के वेश में अर्जुन ने उसे समझाया कि तुम घबराओ मत, तुमने केवल घोड़ों की राह संभालनी है और सारथी के स्थान पर बैठ जाना है। राजकुमार ने राह संभाल ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। आचार्य द्रोण ने पहचान लिया था अर्जुन को कि यह जरूर अर्जुन है और इशारे में उसने भीष्म को भी यह बात बता दी कि यह अर्जुन है। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के वेश में कौन है? मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन ने भी जब यह बात सुनी, पता लगा कि यह अर्जुन होगा, तो उसने कहा कि हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह कौन है? चाहे अर्जुन भी होगा तो हमारा इसमें लाभ है, फायदा है, क्योंकि ये दोबारा 12 वर्ष का वनवास इनको मिल जाएगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। अर्जुन ने क्या किया, कौरव सेना के सामने तो रथ खड़ा कर दिया और गांडीव को संभाल करके डोरी पर चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की, जो चारों दिशाओं में फैल गई। और जैसे कौरव सेना इस टंकार को सुन करके सचेत होते, थोड़ा सा संभल पाते, इतनी देर में अर्जुन ने शंख को बजा दिया, जिससे कौरव सेना अधिक घबरा गई, थर्रा उठी, डर गई कि पांडव आ गए हैं। अब ये एक लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ अब दूसरा लेसन भी कर रहे हैं। इन दोनों लेसन के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो आपको लिखने हैं और याद करने हैं। दूसरा देखिए, प्रतिज्ञा पूर्ति। अब जो प्रतिज्ञा थी उसकी पूर्ति कैसे हुई? द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। द्रोण ने कहा था कि यह लगता है कि अर्जुन ही है, तो आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। तभी कर्ण ने भी कहा कि पांडव तो जुए में हार गए थे जब यह शर्त हुई थी कि उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना है। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया, तो डर किस बात का है? कर्ण ने भी सोचा कि यह हमारा ही फायदा है। अर्जुन सामने आएगा, सामने आ ही गया, इसको पहचान लिया जाएगा तो इनको 12 वर्ष का वनवास फिर काटना पड़ेगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोल कर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा हुआ है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कौन कह रहा है ये? कर्ण, कि तुम सब लोग तो ऐसे ही डर रहे हो, इसमें हमारा फायदा है, आप बार बार डर रहे हो यह कह करके अर्जुन धनुष तान करके बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन की बजाय चाहे वहां परशुराम भी हो तो हम क्यों डरे? दिल खोल कर लड़ेंगे क्योंकि उन्हें दोबारा तो वनवास होना ही है, और मैंने जो दुर्योधन को वचन दिया था कि मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा सदा साथ दूंगा, तो वह मैं आज पूरा करके दिखाऊंगा। ऐसा किसने बोला? कर्ण ने बोला। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। कृपाचार्य ने क्या कहा कि ऐसी बातें, मूर्खता भरी बातें मत करो, हम सबको मिलकर ही कर्ण का मुकाबला, उसका अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो
अर्जुन की प्रशंसा करते, कभी थकते भी नहीं थे। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। यह बात सुनकर के कर्ण को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि आचार्य तो हमेशा ही अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हैं, अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की उनकी एक आदत सी बन गई है। न मालूम यह है भय के कारण है या अर्जुन से ये अधिक प्यार करते हैं इस कारण से है। जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। अर्जुन ने कहा चाहे कुछ भी हो मैं अकेला ही युद्ध करता रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रह गया। जब कर्ण ने आचार्य द्रोण के बारे में ऐसे बातें की तो कृपाचार्य का भांजा जो था अश्वत्थामा उससे न रह गया और वह बोला कर्ण क्या तुमने कुछ नहीं है और कोरी डिंगे मारने में समय गंवा रही हो। अश्वत्थामा ने क्या कहा कि केवल कर्ण तुम डिंगे मारते हो, कुछ करते नहीं हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। आपस में ये झगड़ा करने लगे कौरव सेना के अंदर ही, तो इसको देख करके भीष्म ने कहा, वे दुखी हुए कि आपस में वैर विरोध या झगड़ा उचित नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। पितामह ने समझाया तो कर्ण, अश्वत्थामा आदि शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। सभी खुश हो रहे थे कि पांडवों को दोबारा से 12 वर्ष का वनवास मिलेगा और 1 साल का अज्ञातवास। तो भीष्म पितामह ने बोले कि दुर्योधन इतना खुश मत हो, अर्जुन सामने आ भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा का समय पूरा कल ही हुआ है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। यानी चंद्रमा और सूर्य की गति, वर्ष महीने पक्ष आदि के बारे में जो जानते हैं उससे चाहे पूछ लो, मेरे कथन की पुष्टि वही करेंगे। यानी पंचांग आदि पंडित आदि देख कर बता देंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते, प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते हैं। किसी में महीनों में कितने दिन होते हैं, जैसे फरवरी में ही लगा लो, किसी में 29 और किसी में 28 होते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि एक जैसे महीने, प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते, किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। मालूम होता कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। भीष्म पितामह ने क्या कहा कि जैसे ही अर्जुन ने गांडीव से टंकार की थी, मैं तभी समझ गया था कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। यहाँ भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों के साथ संधि कर ले, यदि संधि कर लोगे तो यही समय उचित है संधि करने के लिए, नहीं तो बाद में पछताओगे। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। पितामह के समझाने के बाद भी दुर्योधन को समझ नहीं आया और उसने कहा कि मैं संधि करना नहीं चाहता हूँ, मैं राज्य तो दूर की बात है, मैं एक गांव तक पांडवों को नहीं देना चाहता। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी और कौरवों ने व्यूह की रचना की। इधर उत्तर ने रथ उसी ओर हांक दिया जिधर दुर्योधन था। उत्तर कौन था? राजा विराट का बेटा जो अर्जुन के रथ पर सारथी बना हुआ था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह की ओर इस तरह से छोड़े कि उनके चरणों में जाकर
गिरे, यानी तीरों के माध्यम से अर्जुन ने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के पैर छुए। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। दुर्योधन का पीछा कौन कर रहा था? अर्जुन। और अर्जुन को इस प्रकार देख करके भीष्म आदि भी सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। सबसे पहले किसको परेशान किया, किसको घायल किया, किसको भगाया? कर्ण को। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देख कर अश्वत्थामा आगे बढ़ा। फिर कर्ण के बाद द्रोणाचार्य को बुरी तरह से परेशान किया, हराया। तो इस तरह से द्रोणाचार्य को इस प्रकार देखकर अश्वत्थामा आगे आया। उसने अर्जुन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। अर्जुन ने क्या किया, जरा पीछे हट गया और द्रोणाचार्य को वहां से निकल जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। मौका पाकर के क्या हुआ, आचार्य वहां से निकल गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई। अश्वत्थामा को भी हरा दिया, उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और कृपाचार्य को भी हरा दिया। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? जो कौरवों के महान महान योद्धा थे वे सारे के सारे हार गए, परास्त हो गए, तो उसके बाद फिर सेना किसके सहारे पर लड़ती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थे। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। अर्जुन ने क्या किया, सबको हरा दिया, उसके बाद भी दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका नहीं जा सका। पांचों महारथियों ने अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। अर्जुन क्या हुआ, दुर्योधन के निकट फिर भी पहुंच गया। सबके रोकते रोकते उसने दुर्योधन पर भयंकर हमला किया और दुर्योधन को घायल कर दिया और दुर्योधन मैदान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। भीष्म पितामह ने उनको समझाया कि हस्तिनापुर वापस लौट चलो, तो भीष्म की सलाह के अनुसार सारी सेना हस्तिनापुर वापस लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, पुत्र अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारे गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। अर्जुन ने उत्तर से कहा कि चलो अब अपने नगर की ओर, तुम्हारे गायें भी मैंने छुड़ा दी हैं और शत्रुओं को भी मैंने भगा दिया है, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। यानी कि अर्जुन ने क्या कहा कि यह जो विजय हुई है वह तुम्हारे नाम से विजय हुई है, मेरे नाम से नहीं हुई है, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनाकर नगर में प्रवेश करवाया। किसको? उत्तर को। रास्ते में अर्जुन ने फिर से वीरनला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। बीच में अपना वेश बदल करके उत्तर को सारथी बना दिया था और आप युद्ध करने लगे थे। अब गांव में प्रवेश करना था तो अर्जुन अपने आप सारथी बन गए और राजा उत्तर को खड़ा कर दिया राजकुमार के रूप में। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। क्या कहा अर्जुन ने कुछ दूतों को कि जाकर के उसमें नगर में घोषणा कर दो कि राजकुमार की विजय हुई है और राजकुमार नगर में वापिस लौट रहे हैं। यह दोनों लेसन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपके पास इन दोनों के आंसर आएंगे, जिससे आपको इन दोनों के आंसर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं और अपने आप भी आपको आंसर बनाने की कोशिश करनी है। अब जितना भी टाइम बचा है मैं आपसे
कुछ इंटरनल क्वेश्चन सुनती हूँ, एक दो जो भी सुना जाएगा, तो उसके लिए रेडी रहिए आप। हाँ जी, रेडी। चलिए जी, आर्यन रावल। आर्यन रावल आर्यन रावल माइक अनम्यूट कीजिए अब। आर्यन रावल, क्या बात है बेटा? राहुल शांत कलाम, क्वेश्चन आपके लिए। पांडवों ने अज्ञातवास का समय कहाँ बिताया था? मैम, पांडवों ने अपना 13वां अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। वेरी गुड। अब जी डिंपल, डिंपल राणा। माइक अनम्यूट कीजिए। डिंपल, क्वेश्चन यस मैम। है बेटा आपके लिए। नकुल किस नाम से विराटनगर में रहता था, क्या करता था? नकुल ग्रंथिक के नाम से जाना जाता था और वह घोड़ों की बीमारी और घोड़ों की देखभाल करता था। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आगे कार्तिक बत्रा। कार्तिक बत्रा कार्तिक बत्रा कार्तिक बत्रा नहीं, मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? कनिष्का, यस मैम। क्वेश्चन है बेटा, आप ये बताओ, राजा विराट की पत्नी का क्या नाम था? क्या? सुषेणा। दोबारा बोलो। सुषेणा सुषेणा नहीं, सुदेशना। सुदेशना। हाँ सुदेशना, ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा सा। संजय सर,